रूल है, सीओ आएगा सुबह सलूट मारूंगा, गाड़ी खोलूंगा, जाते समय फिर खड़ा हो जाऊंगा, सीओ साहब ने ये बोला है, सीओ साहब का पर्सनल काम ये, देन इज नॉट डूइंग सुबेदार मेजर। क्लियर होना चाहिए, सुबेदार मेजर बटालियन का है, सीओ का नहीं है। टूआईसी है, बटालियन का है, सीओ का नहीं है। जे एडजुटेंट है, जे है, बटालियन का है, सीओ का नहीं है। बट उसके लिए मजबूत सोच चाहिए, कंधे में जान चाहिए, पिछवाड़ा भी मजबूत चाहिए। अगर डिसीजन ले सकते हो तो टकाटक चलेगी फौज, बट ले सकते हो क्या? आस्क योरसेल्फ योर क्वेश्चन। कोई भी यूनिट अच्छी बुरी तब होगी जब उसके ऑफिसर जिस जवान कमजोर होंगे जी, है ना, तब वो कमजोर होगी। और यूनिट अच्छी तब बनेगी जब सारे रैंक मिल करके मजबूती से काम करेंगे। फौज तो अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी रहेगी। सर आपने भी काउंटर इंसर्जेंसी में, फील्ड में, पीस में, हर जगह नौकरी की। हाँ जी। आप ट्रांजिट कैंप को देखिए सर कभी कभी। हाँ हाँ। ट्रांजिट कैंप में कितनी नफरी रहती है। बहुत नफरी रहती है, यस। और कई बार रास्ता ब्लॉक हो जाता है। हाँ जी, ज्यादा हो जाती है नफरी, दिक्कत बहुत आती है। दिक्कत बहुत आती है, इतनी नफरी रहती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, सोने के लिए भी जगह नहीं मिलती। और उनकी जो दिनचर्या है वो बस ऐसे गुजर जाती है। बिल्कुल सही है। तो क्या वहाँ पर ये मोटिवेशनल लेक्चर, उनकी ट्रेनिंग से संबंधित, फ्यूचर में सेटलमेंट से संबंधित, इस तरह की चीज़ें, फर्स्ट एड से संबंधित, क्या ये इस तरह के सिस्टम वहाँ पर नहीं चलाए जा सकते? देखिए, चलाए जा सकते हैं, इसमें मैं अपना नज़रिया देता हूँ। ट्रांजिट कैंप में और वहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी मौजूद है, पढ़ने वाला भी मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, समय भी है, सब चीज़ वहीं, कहीं कुछ कहीं से आउटसोर्स नहीं करना है, कहीं कोई कुछ नहीं, उन्हीं को यूज करना है। मैं तो यहाँ पर किसका फेलियर है या फेलियर कोई फेलियर नहीं है, मैं बताता हूँ। देखिए, ट्रांजिट कैंप में पहले क्या होता था, श्रीनगर में रहा जी, मैं बात कर रहा हूँ 1999 की, मतलब एक SDP से होता था और उसमें है ना 50 अफसर लाइन में लगे होते थे कि भैया हमारे को ना घर पे बात करनी है। धीरे धीरे लाइन सरकती रहती थी, सबको भैया सब 2 मिनट बात करनी है, तो आधे एक घंटे में जाके आपकी बात आती थी करने के लिए, ठीक है। और रिसोर्सेज तो कुछ नहीं होते, पड़े इधर उधर ऐसे जैसे, बट हम खुश थे। फिर उसके दोबारा गया, मैंने देखा श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में बहुत ढांचा चेंज हो गया, TV लग गया, AC लग गया करके। फिर मैंने कहा नहीं यार, स्वाद पहले वाले में ही था जी, जी। उसमें मज़ा था, ये इतनी फैसिलिटी में मेरे को तो क्यों, घुलना मिलना बहुत होता था सर, ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी कई बार ख़राब करती है। बट ये ट्रांजिट कैंप में जब आती है, बट बहुत प्रोग्रेस हुआ है पहले से। ट्रांजिट कैंप की जैसी हालत पहले थी वैसी नहीं है, स्टैंडर्ड्स एक्चुअली हैव गॉन वेरी डाउन। बीच बीच में ऐसी समस्या आती है, कभी लैंडस्लाइड होगी, ब्लॉक हो गया, है ना। और ट्रांजिट कैंप में बहुत अच्छे से अकोमोडेट करते हैं, बट दिक्कत फिर भी है, जितनी भी कर लीजिए थोड़ी कमी पेशी तो रहती है सर। बट जहाँ तक ये बात रही कि वहाँ पे हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए करके, मैं उससे थोड़ा नज़रिया अलग रखता हूँ। मुझे लगता है जो आदमी छुट्टी जा रहा है वो बहुत खुशी में जा रहा है, भाई घर जाना है ना, वो बीच में कहीं फंस गया है, अब उसको ट्रेनिंग नहीं करानी चाहिए, उसको ना फ्री छोड़ देना चाहिए, एंटरटेनमेंट कराओ यार दबा के। जो छुट्टी से आ रहा है उससे दुखी आदमी कोई नहीं है कि यार वापस उधर जाना है, उसकी भी ट्रेनिंग नहीं करानी चाहिए, आते जाते मज़े कराने चाहिए, है ना। मेरा सर फौज की, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, खिलाओ, रौनक लगाओ लाइफ में। मेरा सर फौज की ट्रेनिंग से मतलब नहीं, 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 मेरा ट्रेनिंग मतलब नहीं था कि उनको कुछ इस तरीके से मोटिवेशनल, उनके फ्यूचर सेटिंग के लिए उसमें भी इतना रिसेप्टिव नहीं होता। जो आदमी रिटायरमेंट जा रहा है ना वो ध्यान से सुनेगा बात जी, बट जिन्हें छुट्टी जाना है आप उसको बताओ ना सेविंग्स कैसे करनी, उसका दिल तो वहीं पर है, वो बोले यार घर जाना है, यहाँ बता रहे सेविंग, अरे छोड़ो यार सेविंग नहीं करनी, उसका फोकस ही नहीं है वैसे, है ना। और ट्रांजिट का मतलब ये हुआ कि चलता आदमी फिरता आदमी, है ना, जो जा रहा है रास्ते में कहीं, चलते फिरते आदमी को इतना फोकस कभी नहीं बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन। मैं छुट्टी में जा रहा हूँ, मेरे बस ये लग रहा है बस घर का दिखे यार, बस स्टैंड आ गया है ना, रेलवे स्टेशन आ गया, बस घर नजर, ध्यान उधर ही, घर नजर आना चाहिए। और जो छुट्टी से आ रहा हूँ कह रहा यार सारा जाती फिर उस पहाड़ी में चढ़ना है, ठीक है, उसमें आप कोई भी ज्ञान बांटने की कोशिश करो कामयाब नहीं है। उधर CHM इंतजार कर रहा होगा, वो आ रहा है। आप खुद कह रहे हैं कि ट्रांजिट में दिक्कत बहुत आती है, जब दिक्कत आती है तो उस दिक्कत से बाहर रखने मन हल्का फुल्का रखना चाहिए, दबा करके कि भैया जितने भी आ रहे हैं खड़े हो जाओ, इधर जीशो साहब इधर और बड़ी जवान इधर, आ जाओ भैया तुम्हारा वॉलीबॉल का मैच होगा, आधे जीशो साहब इधर आधे इधर, धुआं उठा के रखो, चीखना चिल्लाना ये तेरी गदर मचा रखा है, दबाए कबड्डी कुश्ती लगा दो रौनक, बिल्कुल एंगेज रखो कंस्ट्रक्टिवली, जनता खुद मिलकर पार्टिसिपेट करेगी, उनको पता ही नहीं लगेगा, वो रिपोर्ट भी नहीं करेंगे कि दुख तकलीफ है कबड्डी खेल गया, पसंद बोला भाई बहुत टाइम बाद कबड्डी खेली आज भाई, वॉलीबॉल मजा आ गया, बैठेंगे अच्छे से खाना खाएंगे, है ना। आप फोकस दोगे, उनका ध्यान भी हट जाएगा कि भैया सेविंग्स कैसे करनी चाहिए, पोस्ट रिटायरमेंट अगर आया क्या है, बोले दाल पतली है, आधे खुश है, बोला भाई कुछ भी दे दो खाने में मजा आ गया। तो ट्रांजिट में कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग का मैं बिल्कुल नहीं, मगर मैं होता उसी ट्रांजिट का बिल्कुल नहीं करता। मैं देखता कि पानी टाइम पे मिलना चाहिए, सोने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, कोई आदमी नीचे ना सोए,
आने के लिए और जाने के लिए उसको टाइम पे गाड़ी मिल जानी चाहिए सर। एडमिनिस्ट्रेटिवली मतलब अच्छा होना चाहिए उनका रहना खाना पीना, किस तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए जवान को, और मिलना चाहिए। एक तो मौका मिलता है ट्रांजिट कैंप, कितने लोग आते जाते बात करें, भाई कहाँ रहने वाला है भाई तू, नए दोस्त बनाओ, दूसरी यूनिट के चार लोगों से मिलो यार, हमारी यूनिट में ड्रिल अच्छी चल रही है, अपनी यूनिट में जाके बताओ कि साहब एक बंदा मिला था उनकी यूनिट में ये चीज़ बड़ी सही हो रही है, हमें भी करनी चाहिए। शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, इनफॉर्मल माहौल रखो, है ना, बट ट्रेनिंग और ज्ञान वर्धक कोई बात नहीं करनी चाहिए, है ना। नहीं सीरियसली कह रहा हूँ, पूछ के देखो, लोग यही बताएंगे आपको। दूसरा सर, सेना के अंदर 2.5 से 3% ऑफिसर्स हैं, हाँ जी, और 97% जेसीओ और जवान है। आप जेसीओ और जवान के रोल को किस तरीके से देखते हो? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऑफिसर का, जेसीओ का, जवान का। देखिए जवान है ना, तो आवाम है, पब्लिक है, वो तो इतनी ज्यादा परसेंट है सर। कश्मीर में पहले होता था, है ना, जवान और आवाम। 2010 के अंदर, है ना, हम लोगों ने वहां पे डिसाइड किया था कि इसको ऐसे नहीं, हमने पहले आवाम को पहले लिखा, जवान को पीछे कर दिया, आवाम और जवान, लोगों को लगना चाहिए कि हमें पहले प्लेस किया पॉइंट, एंड इफैक्ट भी है, ठीक है। तो उसमें भी देख लीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेंथ अपना जवान की है, हम लोग फौज के फौजी लोग, और बाकी उसका पब्लिक है। घर में भी ऐसे ही है, फादर एक है 1%, बट उसके बाद मम्मी और भी बाकी घर के लोग हैं, बच्चे अगर भी किसी के चार, पुराने टाइम में तो 10-10, 11-11 बच्चे होते थे, प्रोपोर्शन वैसे ही बैठता था, भाई जवान इतने परसेंट और 1% फादर ऊपर, है ना, हेड इज ऑलवेज वन, बट ज़्यादा डिसीजन वो लेते हैं मुख्य, उनका रोल अलग टाइप से है, बच्चों का रोल अलग है। मैं कहता हूँ एक दूसरे के पूरक हैं, बहुत लोगों को देखता हूँ जहाँ पे ना लोग कहते हैं कि जवान के अगेंस्ट ऑफिसर ने ये कर दिया, कोई कहता है ऑफिसर ने उसके अगेंस्ट ये कर दिया, किसी तरह की कोई भी बात, कोई भी चीज़, एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेके किसी एक हादसे को, किसी एक इंसिडेंट को लेकर के ये इस तरह की बातें करना बड़ा गलत है, जो किसी तरह की दरार डालती है, कोई घर में डालती है। भाई घर में माँ बाप बच्चों को यही सिखाते हैं, बेटा तुम उससे बड़े हो ऐसे मत करो, बेटा तुम्हारे बड़े हैं, बेटा तुम उनकी इज्जत करो। अब घर से तो यही सिखाया हमारे को, फौज में क्या अलग सिखाया, फौज में ही सिखाया है कि भाई जूनियर है उसको लुक आफ्टर करो, जूनियर की ड्यूटी है कि भाई आपके सीनियर है आप उनकी इज्जत करो, बट फ्री में कुछ नहीं है। आपको फैसिलिटी जूनियर को भी तभी मिलेगी भैया जब आप काम अच्छा करेंगे, सीनियर को भी इज्जत तभी लागू है भैया जब वो काम ठीक कर रहा है। तो सबके अपने दायरे बटे हुए हैं, हर एक चीज़ कमानी पड़ेगी और सबको ऑथराइज है, लागू है। कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी कर दी ओवर पीरियड टाइम, कि पहले इसका राशन के लिए था कि समझदार आदमी बोलो नहीं सबका बराबर होना चाहिए, दौड़ना भागना आप सेम कर रहे हो, खाना पीना सेम होना चाहिए, कर दिया अच्छी बात है, ये रिफॉर्म अच्छा है जी, इस तरह की रिफॉर्म होनी चाहिए, है ना। आप यूएन में जाते हैं वहाँ पे सेम राशन होता है सभी के लिए, किसी ने सीखा वहाँ से इम्प्लीमेंट कर दिया, बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छा रिफॉर्म है। कोई भी बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जो हमारे को, भाई फौज को यही चीज़ किसी भी अलग डिपार्टमेंट से अलग बनाती है कि हमारे में मजबूती है, हम लोग एक साथ हैं तो सब कुछ है, और एक साथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, फिर तो हम आपस में बहुत एक दूसरे को शॉर्ट आउट करेंगे, दुश्मनों की जरूरत ही नहीं हमारे को। तो कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कोई इस तरह काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई भी हमारे बीच में फूट डाले या किसी तरह की वो बोले रैंक को लेकर के उसको लेके, भाई बड़ी सिंपल सी बात है, रैंक आती है बाद में जी। मेरे फादर ने तो यही सिखाया था मुझे कि भैया जेसीओ साहब हों चाहे भैया हवलदार गुरु जी हों, उम्र में आज तो 21 साल का है तो अंदर जा रहा है 22 साल का है, भाई आपसे भैया वो उम्र में हवलदार जरूर होंगे बट उनकी 22 साल की नौकरी है, ठीक है, उनके बच्चे की उम्र में तेरी जितनी होगी। अब वो बुजुर्ग आदमी हाथ यहाँ से उठा के लेके जाता है और बोलता है जय हिंद साहब, उसमें जोर लगता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गई जब मेरे फादर ने मुझे बताया कि हवलदार ज़रूर हैं, ठीक है, काम में भी हो सकता है ट्रेनिंग में मजबूत हों, हो सकता है ऑपरेशन में मजबूत हों या एडम में मजबूत हों, हर एक का अपना अपना फोटे होता है कि किस महकमे में ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि किसी में कम किसी में ज़्यादा, बट वो उतने बुजुर्ग आदमी हवलदार है सो व्हाट, बट हाथ इतने ऊपर लेके गए जय हिंद बोला है तो उसमें जोर लगता है, वो मुझे समझ में आया। तो उम्र पहले रैंक बाद में जी, ठीक है। अरे ऐसा भी रहा मेरे साथ, मैं रैंक में आदमी ज़रूर सीनियर रहा है बट मुझे लगा कि बात सही नहीं है तो मैंने पक्का बोला, मैं सर ये गलत है, बात करेंगे इसमें, ये नहीं होना चाहिए। सो इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए, रैंक का कोई लेना देना नहीं, हम सारे सिपाही हैं, चाहे वो जनरल साहब हो चाहे जवान हो, फर्स्ट वी आर सोल्जर। अच्छा सोल्जर यानी यूनिफॉर्म से यहाँ से बनता है सर, काम आपका मजबूत होना चाहिए, हमें सिखाया गया बड़ा खाना साथ में करना चाहिए, ट्रेनिंग हम साथ में करते हैं। आपने बात करी रोल की, मेरे पास कोई यंग ऑफिसर आता था मैं जवानों को बताता था, मैं बेटा आप लोगों की ड्यूटी है नया साहब आया रगड़ दो अच्छे से, जब दौड़ने जाते हो सब फिजिकल में मैंने देखा कमज़ोर है, इसको आगे रखो साथ में, एक महीने के अंदर मेरे को एक्सीलेंट में चाहिए, जो चीज़ अकेडमी में नहीं हो पाई वो आप करके दिखाओगे। साहब को बताता था मैं इज्जत फ्री में नहीं मिलेगी, कमानी पड़ेगी, तेरे बंदे अगर तेरे से पहले आ गए ना रगड़ दूंगा तेरे को मैं, यू नो अगर नेता बनने का शौक है ना लीडर बनने का तो इनसे पहले आगे दिखा देना, तो लीड करके फायरिंग से बढ़िया मार देना, सिर्फ मेरे रैंक लगे सलूट पड़ेगी मैं तेरे, हो सकता है छाती मुक्का लग जाए, यू नो ऑन इट,
तो करता था, दोनों महकमे काम करते, बोला साहब चिंता मत करो, साहब को हम फिट करेंगे, कर दो, तुम्हारा कंपनी कमांडर बनने वाला है, आने वाला टाइम है, और मैं तू कमाले यही मौका है। जैसे जूनियर आता है उसको मैं सिखाता हूँ, मैं तू जाएगा तेरा एक बड़ी प्लेयर बनेगा, वो सबसे बढ़िया आदमी है आपको सिखाने के लिए, ऑफिसर से उतना नहीं सीखोगे, बड़े जवान आता है कंसेप्ट है फौज के अंदर बड्डी प्लेयर, जब एक ऑफिसर आया तो उसका बड्डी बना। अब लोग इसके बारे में बोलते हैं बड्डी से ये काम कराते हैं वो कराते हैं, भाई आपके यहाँ चॉइस मत करो ना, अगर आपको गलत चीज़ लगती है आप जाके अहदेदार को बता सकते हैं सर ये काम गलत है, है ना, और इसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप सुन लो बता दो, आपकी बात सुनी जाएगी सर। ये करने के बजाय मेरा कंसेप्ट जो मैंने फॉलो किया, जो मुझे सिखाया गया मेरी पलटन में और जो मैंने सीखा है वो ये है कि ऑफिसर आया तो आपका एक बड्डी है जी, बड्डी की ड्यूटी है कि भैया आपकी यूनिफॉर्म टाइट बिल्कुल कड़क जैसे होनी चाहिए वैसे आपको टाइम पर मिल रहा है यूनिफॉर्म, है ना, आपकी बेसिक काम में मदद करना। मेरा बड्डी, अब मैं जब पीछे देखता हूँ मेरे बड्डी ने क्या किया, मेरे बड्डी ने मेरे को भैया बोला कि साहब मैं आपको भाषा सिखाता हूँ, मैं रोड डायरी लिखे बैठता, मैं इसको कैसे बोलेंगे कि इधर आना, तो बोलता सब एतानोस, मैं काम जल्दी करना है, बोला सब ये छीटो करना उसमें, अच्छा ओके, मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो बोला सब यो धेरे अवतारो चा मौके अवतारो, मैं इसको कैसे बोलेंगे, एक एक लाइन लिखता था, एक एक वो बताता था, सिग्नल सेट को ढंग से कैसे हैंडल करना है, कोड वर्ड ये वो, कॉल साइन क्या है, तो एक पत्थर के पीछे बैठता था सिग्नल वाला एनसी और एक मैं यहाँ बैठता था, तो पूरा मेरे को बताता साहब ऐसे नहीं बोलना, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, मैं अच्छा सीजम ने बताया हुकुम कैसे देना है, बोला सब ऊपर से हुकुम आ गया 5 मिनट में चाहिए, 5 मिनट में नहीं होता, मैं दिखाऊँ कैसे, तो बोला साहब अभी देखो हुकुम आया है अब मेरे साथ चलो, देखो कोर्ट में जाएंगे, इतना टाइम लगा कोर्ट में, सब हथियार लेकर के आए, ठीक है साफ सफाई करी, रजिस्टर में एंट्री करी, फिर यूनिफॉर्म पहननी है, फिर उधर फॉलो होना, बोला साहब 40 मिनट लग गए, साहब ने क्या बोला था 5 मिनट, मैंने क्या बोला साहब 5 मिनट तो नहीं हो पाएगा, आधा घंटा तो लगेगा, करते करते 40 मिनट हो गए, तो हुकुम जब पास करते हैं सब पहले ही पास करना चाहिए, आधे घंटे में ये होना चाहिए, उसमें प्रैक्टिकल रहेगा, लोग आपकी ज़्यादा इज्जत करेंगे, बात मैंने समझ में आ गई, जैसे को बोलता 5 मिनट में, 5 मिनट में नहीं होगा भैया, टाइम लगेगा इसके अंदर, जादूगर नहीं है, यूं मारा और हो गया शंकर सम्राट, ठीक है इट टेक टाइम, तो काम सीखा। सीएचएम है भैया, सीक्यू है, ड्यूटी कैसे बांट करता है, उसने बोला सब देखना पड़ता है ड्यूटी बांट करते समय कि भैया ड्यूटी बांट करते हो तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है, कल को ये ना बोले कि नेपाल का है तो इसने लोगों को ड्यूटी ऐसे दे दी, ये अपनी साइड के बंदे इसने ड्यूटी ऐसे दे दी, आज अगर इसकी 8 से 10 ड्यूटी लगी है तो कल इसकी 10 से 12 होनी चाहिए, फिर 12 से 2, 2 से 4, जो ड्यूटी का पारा है सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, ये मैंने सीखा मेरे बड्डी से, एवरीथिंग ही टॉट मी, जो किताब में नहीं लिखा हुआ, जो अकेडमी में नहीं सीखा वो ग्राउंड पे मेरे बड्डी ने मुझे सिखा दिया जी, कि साहब ऐसे होना चाहिए, भाई डांस कैसे करते हैं इसमें अपने जो ट्रुप करते हैं, बोल साहब ऐसे ऐसे करते हैं, मैं ओके सीखा, बोल साहब ऐसे ऐसे, मैं चल आ जा म्यूजिक लगा के रूम में सिखा रहा है। बड्डी इकलौता बंदा है जो आपको कभी असेस नहीं करता, जज नहीं करता, सीनियर को 2 मिनट बोलेगा ब्लडी यू डोंट नो दिस, तुम्हें आता नहीं है, बोलो कहते साहब आप सीख जाओगे कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को मेरे से ज़्यादा मेरे बड्डी ने सिखाया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। बाकी आपके ऊपर है, आप बड्डी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप क्या वैल्यूज इनकलकेट करते हैं जी। मैं चाहे कंपनी कमांडर था, चाहे नई जगह गया, चाहे मैं कमांड में सीओ बन के गया, पहले जिन दिन पहुंचा मेरी वाइफ ने खाना बनाया, जो बड़ी से मैं बैठा, ठीक है खाना मैंने सर्व किया, मैंने मेरी ड्यूटी बनती है आप हमेशा मुझे सर्व करोगे, बेटे को सिखाया कि भैया को बैठ के खाना खिलाओ, जो लंगर से खाना आता था वो मेरा बेटा खा लेता था, कैसा भी लंगर का खाना खा रहा, क्यों तू नहीं खाता, मैं नहीं खा सकता तो ये भी खा सकता है, खाएगा, और मैं तू बैठा सब मैं तेरा खाना खा गया मैं समझता हूँ, तेरा खाना घर पे बनेगा, लंगर वाला खाना इसको दे दे। तो उसने सीखा कि भैया को लुक आफ्टर करना मेरी ड्यूटी है, ठीक है, और वो परिवार के हिस्से के तौर पे रहा, जाते समय वो भी बहुत रोया, हम भी बहुत रोए, कैसा मुझे साथ जाने, मैं फौज ऐसे नहीं चलती है ना, टच में तो हमेशा रहेंगे बट परिवार कैसा है, बड्डी का मतलब ये है कि है ना आपके साथ में रहे 24 घंटे, बट बड्डी को लूजली है ना जस्ट कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ कमेंट के लिए है ना कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, अगेन बोल रहा हूँ पर्सनैलिटी ओरिएंटेड है, फौज में ऐसा नहीं हर आदमी ऐसे ही करता है, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, सब जगह पर। मैं अपनी बता सकता हूँ, मैंने बड़ी का मुझे क्या मतलब समझ में आता है, बाकी लोग है ना करते हैं तो करने वाला भी कमज़ोर है कि भैया गलत वैल्यूज अपना कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, और जो ग्राउंड पे कर रहा है काम है ना वो भी बाहर आके बोलूँगा तब तक वेट करूँगा वो भी गलत है, भाई आपको भी अपनी सुविधा दिख रही है, आप चुपचाप रिपोर्ट तो कर रहे हो बट आप जहाँ रिपोर्ट करनी चाहिए ग्राउंड पे आप वहाँ क्यों नहीं कर रहे, समय पे चीज़ गलत है, सही समय पे सही चीज़ की रिपोर्ट कर दीजिए, एक चैनल बना हुआ है जी आपकी सुनवाई हो जाएगी, बट मीडिया में आके करूँगा उसको करूँगा कोई फ़ायदा नहीं है सब चीज़ों का, अपने लिए स्टैंड सही टाइम पे सही जगह ले लीजिए आप, है ना। जीसु साहब बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है उम्र के लिहाज से, एक्सपीरियंस के हिसाब से सर। जूनियर कमीशन ऑफिसर एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, जो जवान से आया जो 1600 मीटर की दौड़ तैर करके आया और करते करते एक अहदे पे पहुंचे जूनियर कमीशन ऑफिसर, उसमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑनरेरी कमीशन भी लिया जी, इट गॉन थ्रू द साइकिल ऑफिसर के तौर पर भी आया, उन्होंने ऑनरेरी रैंक भी लिया, यू नो एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट कड़ी है जो जवान और ऑफिसर के बीच का लिंक है सर। जीशो साहब अगर मजबूत है तो जवान की सही बात ऑफिसर तक पहुंचाएगा, साहब ये जवान के हक में है
हमें इस चीज़ को ऐसे देखना चाहिए और ये हुक्म ऐसे लागू करना चाहिए। कोई चीज़ें ऑफिसर को गाइड करेगा। मुझे बताते थे हमारे जी सी ओ साहब थे, क्या मजबूत सूबेदार मेजर थे सर, भरत राणा साहब, आज की तारीख में भी हैं। एक बार देख लेते किसी बोलते ठुके, बोलते जुप करके पूरी बिठाने से आती थी, बोला भरत राणा साहब ने बोला है, बोल दिया तो हो गया। सी ओ भी सलाह लेता था, क्या लगता है भरत साहब कैसे करना चाहिए, साहब करना चाहिए कोई चीज़ एडजुटेंट मुझे बता दे, साहब अगर गए सब ये चीज़ हमने इस तो हेरनो पहुँचा जवान को लागी ठीक है ना हजूर ले यो बनी हेरनो पहुँचा यो बनी हेरनो पहुँचा, ये जवान के हक में है ये चीज़ ऐसे साहब, इसको ऐसे जोच के देखो आप और ऐसे पास करके देखो, आपको अलग मज़ा आएगा। वाह साहब गुड, अभी करता हूँ मैं, रुको आप कुछ चीज़ होती तो आगे बता दे, साहब ये आपने आज ग्राउंड पर किया ना पूरा बटालियन को रगड़ दिया एक छोटी चीज़ के लिए, सुबह से रात हो गई जैसे को भी नहीं छोड़ा, सबको रेत में रगड़ रहे सुबह से कि एक आदमी ने शॉर्टकट मारा, जब तक वो आदमी ऑनअप नहीं करेगा पूरी बटालियन को रगड़ दूंगा। लड़ाई के लिए तैयार खड़े हुए, एक आदमी ने आज शॉर्टकट लिया कर लेगा मंजूर नहीं। सीओ ने बोला बुलाओ साहब को, मैं नहीं आ रहा, जब तक वो आदमी बाहर नहीं आएगा पूरी बटालियन को रगड़ता रहूँगा। बोला उन्होंने, बोला साहब बढ़िया करा हमने आज, ऐसा होना चाहिए एडजुटेंट, गुड डिसीजन। मैं गुड यार, एक बुजुर्ग आदमी 40 साल की सर्विस वाला एक्सपीरियंस बोल के जा रहा है शाबाश आप अच्छा कर रहे हो, तो हौसला बहुत बढ़ता है, बढ़ता है, इतना मजबूत रैंक है। लेकिन अगर कोई सोचे सूबेदार मेजर का सर इतना ही रोल है, सीओ आएगा सुबह सलूट मारूंगा गाड़ी खोलूंगा जाते समय फिर खड़ा जाऊंगा, सीओ साहब ने ये बोला है, सीओ साहब का पर्सनल काम ये, देन इज़ नॉट डूइंग सूबेदार मेजर। क्लियर होना चाहिए, सूबेदार मेजर बटालियन का है सीओ का नहीं है, टूआईसी है बटालियन का है सीओ का नहीं है, जे एडजुटेंट है जे है बटालियन का है सीओ का नहीं है। बट उसके लिए मजबूत सोच चाहिए, कंधे में जान चाहिए, पिछवाड़ा भी मजबूत चाहिए जी। अगर डिसीजन ले सकते हो तो टकाटक चलेगी फौज, बट ले सकते हो क्या? आस्क योरसेल्फ योर क्वेश्चन, आप खुद पूछ लीजिए अपने मन में। कंप्लेन कर देता हर आदमी अपनी सहूलियत से, ऑफिसर भी कर देता है, जिसो भी कर देता है, जवान भी कर देता है। कंप्लेन करने की बजाय मेरा सवाल ये, आपने क्या किया? आप उस पोजीशन में, आप उससे पूछ लो, मैं बता दूंगा कितनी बार नो बोला, कहाँ क्या किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है जीशो साहब जी, उनको पता है कि हुक्म देने से लेकर के और आगे तक क्या होगा, इतनी सर्विस में देखा है, तजर्बा है उनके पास, तो सही एडवाइस देनी चाहिए जो नया ऑफिसर आता है उसको, साहब ये चीज़ ऐसे कीजिए, ये आपसे गलत हो रहा है, आप इसको दोबारा सोचिए, ये अच्छा काम है साहब बहुत बढ़िया जीशो काम है। बट सिर्फ हर जगह सोचो कि तंबू लगा देता हूँ मेरी नौकरी होगी, गलत बात है, वो ड्यूटी लेनी पड़ेगी। ऑफिसर है, ऑफिसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप सोचिए इकलौता ऐसा प्राणी है, अब मेरी सर्विस 24 साल की थी, बट जो 30 साल की सर्विस वाले हैं, मैं 24 साल का खुद और 25 साल की सर्विस वाले जीशो साहब खड़े हैं, क्या साहब रिटायरमेंट जा रहा हूँ, बच्चे का थोड़ा सा एडमिशन का ये है, कहाँ कराना चाहिए भाई? मुझसे उम्र में और रैंक में मैं सीनियर हूँ, बट वो उम्र में तजर्बे मुझसे बहुत सीनियर है जी। बट मेरे फादर की एज का एक आदमी मुझसे पूछ रहा है मेरे बच्चों के लिए मुझे फ्यूचर में आप क्या कहते हो, क्यों? उनको मालूम है कि ये पढ़ा लिखा है भैया, बाहर से आया है, देख के बीटेक होता है ये होता है, कुछ गाइड करेगा। तो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपना होमवर्क अच्छे से करूँ, साहब आप बैठिए सर, है ना, बच्चे कहाँ कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो बताना चाहिए कि सब बच्चों को देखो आपके बच्चे का अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो ये चीज़ कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर ये है वो है, गाइड करना चाहिए जिसो साहब को भी अंशों को, उम्र से कुछ नहीं है, बट आपके जिसके का एक्सपीरियंस और नॉलेज है आप प्लीज़ बताइए। आप FD में कर रहे हो, SIP में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, तो कंपनी सैनिक स्कूल में बैठो, बताओ जवानों को। बिल्कुल सर, रिटायरमेंट तक का वेट क्यों कर रहे हो आप कि जब तक रिटायरमेंट जाएगा तब बताऊंगा, तब तो सिविल से बतरे लोग आ जाएंगे कि ये स्कीम में लगाते हैं लूटने वाले, वही बता रहा ना, वो बतरे लोग आ जाएंगे ज्ञान देने के लिए। आप सही टाइम पर बताइए उसको कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप सेविंग करते हैं, देखिए मैं भी करता हूँ, मैंने इतना किया मुझे इतना फायदा हुआ, ये स्कीम ऐसे आप ले लो ना फाइनेंशियल लेक्चर जी। ऑफिसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, सोशल मीडिया से लेकर के बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं, एक ऐसे होना चाहिए माहौल। जवान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, जवान है तो बटालियन है, जीशो साहब हैं तो बटालियन है, ऑफिसर है तो बटालियन है जी, तो तीनों मिलकर के काम ऐसे करेंगे तो बटालियन बहुत मजबूत है। रेजिमेंट जो भी हो, यूनिट जो भी हो, है ना, हर इंसान से बनती है, सिपाही से बनती है, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर से लेकर जवान सारे आते हैं, सबका इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक रैंक बोल दे ये रैंक काम कर रही है, गलत स्टेटमेंट है। हर एक आदमी का काम है, आपको लिखना है, पढ़ना है, डिसीजन लेने हैं, कहीं प्रेजेंटेशन भी देनी होती है, ट्रेनिंग भी करनी है, एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और फौज को बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है, एक ही बटालियन के अंदर देखिए आप कितने खूबसूरत तरीके से है, आपको सरदार भी मिलेगा, मद्रासी भी मिलेगा, बंगाली भी मिलेगा, आपको 15 वैरायटी तो ऑफिसर की मिल रही है, सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब वो पंजाबी हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, जाट हो, जो भी हो, अगर आ गया भाई नेपाली पलटन नेपाली बोलेगा, राजस्थानी जाट पलटन में गया तो भैया वही भाषा सीखेगा सर, है मद्रासी एक्सेंट में बोलेगा लेकिन भैया बोलेगा भैया जाट पलटन में जाट, साहब कहाँ जा रहा है, जो बोलना बोल ले भाई, लेकिन तुझे सीखनी पड़ेगी भाषा। हम एक खाना खाते हैं, एक राष्ट्रगान गाते हैं, एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो सोच में इतना फर्क क्यों है हमारे? सही बात, नहीं होना चाहिए भाई। जनगण मन एक लाइव एग्जांपल है, आप भैया बंगाली हो, मद्रासी हो, भैया जाट हो, सदार हो, आप ट्यून बजा दो, हर आदमी के बाल खड़े होंगे,
हर आदमी छाती बाहर ऐसे निकाल लेगा और ऐसे खड़ा हो गर्दन करके, सबको समझ में आती है वो ट्यून। तो जब एक 56 सेकंड की ट्यून समझ में आती है तो फौज में इतनी पॉलिसीज, इतने हुक्म है, आपको समझ में नहीं आता, डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए रैंक को लेकर के, ओहदे को लेकर के। तभी बोलता हूँ मैं, आई डोंट टेक प्राइड, को बोलता है सर आप ये थे यार, आई एम हैप्पी है ना बींग एड्रेस्ड एज ए सोल्जर, मेरे को कोई स्वैग नहीं कि मैं कंपनी कमांडर हूँ, कर्नल हूँ, मेजर हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। काबिलियत के आधार पर बात करो, मजबूत है तो सिपाही भी मजबूत है, कमज़ोर है तो फिर जनरल भी कमज़ोर ही है। काबिलियत के आधार पर बात करनी है, रैंक का कोई लेना देना नहीं। इट इज़ नॉट द रैंक दैट ऑनर्स ए पर्सन, है ना, इट इज़ द पर्सन हु ऑनर्स ए रैंक। लोगों से यूनिट बनती है, यूनिट से लोग नहीं बनते। कोई भी यूनिट अच्छी बुरी तब होगी जब उसके ऑफिसर जिस जवान कमज़ोर होंगे जी, है ना, तब वो कमज़ोर होगी। और यूनिट अच्छी तब बनेगी जब सारे रैंक मिल करके मजबूती से काम करेंगे, और कोई मुश्किल काम नहीं है। दुनिया भर की यूनिटें हैं जो अच्छा कर रही हैं, और कुछ कुछ हमें एक्सेप्शन केस है ना गलत भी सुनने में आ जाते हैं, बट उसके आधार पर हमारे को राय नहीं तय करनी चाहिए। जी जी, फौज तो अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी रहेगी, लोग कमज़ोर या अच्छे हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात सर, बड़ी बेबाकी से आपने अपने विचार रखे। बहुत अच्छे सर, और स्टेट फॉरवर्ड ऐसा ही होना भी चाहिए। एक्चुअली दिमाग थोड़ा कम दिया भगवान ने, तो ये इस्तेमाल करता हूँ, जो यहाँ से फील होता है बोल देता हूँ जी। जो दिल से आवाज निकलती है वो हमेशा फायदे की होती है। नहीं, फायदा नुकसान भी नहीं बोलूंगा, दिल की आवाज हमेशा दिल तक पहुँचती जरूर चाहिए, है ना। दूसरा एक और टॉपिक है, मैं उसके ऊपर आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। हाँ जी, आजकल 2-3 सिविल में बड़े इम्पोर्टेंट कोर्ट केस चल रहे हैं। एक तो NFU का केस चल रहा है। हाँ जी, जो आई थिंक जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आर्मी अफसर्स को छोड़ के बाकी सबके लिए शायद हो चुका है। नहीं, मैं सही बताऊँ तो मेरी इसमें कोई जानकारी नहीं, 0 पैसे। करंट अफेयर्स में पढ़ता नहीं, मैं खुद भी इसमें इफेक्टेड हूँ नहीं, मुझे वो भी नहीं पता। हाँ, इतना आ रहा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। NFU का मुद्दा है नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, जो IAS IPS को मिलता है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी शायद मिलना शुरू हो गया, उन्होंने भी केस लड़ा है, हमारा भी डिफेंस का भी चल रहा है। दूसरा एक MSP का केस चल रहा है, मिलिट्री सर्विस पे का। इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है? कोई राय नहीं है, अगर आप पूछें, सही बता रहा हूँ जी, ठीक है, कोई भी राय नहीं है, देयर इज सिस्टम इन प्लेस, है ना। मेरी तनख्वाह है, मैंने आज तक वो भी कैलकुलेट नहीं करी, पेंशन सही आ रही है नहीं आ रही, जितनी आ रही है ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। जो भी इसमें डिसीजन आएगा, देयर इज अ प्रोसीजर, लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन दिस, अच्छा बुरा जो भी आएगा जब आएगा देखेंगे तब, बट मेरी कोई राय नहीं है। जब कोर्ट डिसाइड करेगा, जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सब, कोर्ट में अगर केस गया है तो मेरी राय है ना मायने नहीं रखती। दोनों पक्ष, मैंने आपको बोला ना, मैंने अपना काम जब मेरे पास था मैंने कर दिया जी सर। अब जब कोर्ट में केस गया, दो तरफ से पक्ष आएंगे, अच्छा बुरा जो निकल के आ जाएगा, बिकॉज मुझे लगता है ना मेरे से और बहुत सारे काम है, या तो मेरी ओपिनियन से है ना डिसीजन चेंज हो जाए तो मैं अभी दे दूँ ओपिनियन, वो होगा नहीं, नहीं होगा। बट मेरे पास में बच्चे आते हैं, मुझे लगता है इतनी एनर्जी में उन पर लगा दो ना तो शाम तक एक बंदा तो खड़ा कर ही दूंगा। करेक्ट सर। सो इसमें मैं मेरा मानना है कि जरूरी नहीं लाइफ में हर एक चीज़ पे ना राय हो सर, मैं हर एक चीज़ पे फोकस करता भी नहीं, अपनी एनर्जी और फोकस किधर लगानी है, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। दो मुद्दे हैं, कंट्रोवर्शियल हैं, कोई अच्छा बताते हैं कोई खराब बताता है, इसमें कमी भी ढूंढ लेंगे लोग, फायदा भी ढूंढ लेंगे, हर एक के अपने तर्क वितर्क भी होंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। दो केस हैं, कोर्ट में चले गए, सही जगह पहुँचे हुए हैं, दोनों पार्टी अपना काम कर लेंगी, क्या निकल के आता है, है ना, इट्स ओके, वो इम्प्लीमेंट हो जाए, वो इम्प्लीमेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा जैसे भी है, बट रीजंस नहीं ढूंढूंगा उसमें, बिकॉज है ना अभी है मेरे बहुत काम है, काम करने के लिए बच्चों में, तो प्रॉब्लम इतनी सारी हैं, इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है मुझे जी। तो साथियों, अभी आपने सुना कर्नल राजीव भरवन जी को, उन्होंने बेबाकी से किस तरीके से अपने विचार आपके सामने रखे, और एक ही चीज़ निकल के सामने आई कि वो अपना दिमाग कम और दिल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ दिल इस्तेमाल होता है तो वो कहीं ना कहीं अपनत्व की भावना होती है, और उसमें अगर वो दिल से इस तरीके से बात करते हैं तो उसी का ये जीता जागता उदाहरण है कि आज वो युवाओं को लेकर कितने सक्रिय हैं, किस तरीके से उनको उठा के ऊपर ले जाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने पर्सनली उनके साथ जब डिस्कस किया तो ऐसे मुद्दे निकल के आए हैं जिन पर शायद मैं अलग से अपनी एक स्पेशल राय रखूँगा, किसी दिन ज़रूर उस चीज़ को भी सामने लेके आऊँगा जो वाकई मेरे दिल को छू गई, और वो समाज से जुड़ी हुई है, युवाओं से जुड़ी हुई है, देशवासियों से जुड़ी हुई है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपनी इतनी बेबाकी से
जो विचार रखे उसके लिए तहे दिल से सल्यूट सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।